रमजान का तीसरा असरा प्रारंभ होने को है। शहर में रोजा अफ्तार और इमदाद का सिलसिला प्रारंभ है। इन दिनों शहर में रमजान की धूम है। रमजान के दो असरे खत्म होने को आए, तीसरा असरा जहन्नम से आजादी का शुरू होने वाला है। इसी असरे में शबे कद्र की रात होती है, जिसके लिए 21, 23, 25, 27, 29 रमजान की ताक रातें मुस्लिम समाज के लोग रात भर जगकर खुदा की इबादत करके उसे मनाने की कोशिश करते हैं। इसी असरे के अंतिम दिनों में मस्जिद में तरावियों का दौर भी खत्म होता है। शहर में इन दिनों चारों ओर रोजा अफ्तार और इमदाद का सिलसिला प्रारंभ है। लोग अपनी हैसियत के अनुसार फितरा जकात निकालते हैं, जिससे समाज के लोग सभी मिलकर ईद मना सकें। जकात साल भर की आय का 2.5% निकलती है, जिसे व्यक्ति स्वयं तय करता है। घोघर तकिया में रोजा इफ्तार का एहतराम किया गया, वहीं करहिया में कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं हम आपको बता दें, रमजान का चांद दिखते ही जहां मस्जिदों में तरावियों का सिलसिला प्रारंभ हो गया, वहीं मुस्लिम समाज के लोग पूरे महीने बगैर खाए पिए दिन भर अल्लाह की इबादत में लीन हो गए। हम आपको बता दें, मुस्लिम समाज के लोग रमजान के पूरे एक माह दिन भर सूरज निकलने के पहले और सूरज डूबने के दौरान बगैर कुछ खाए पिए अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। इस दौरान मस्जिदों में 20 रकात तरावियों का इंतजाम खास तौर से किया जाता है। इस पूरे माह मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं अल्लाह उनकी एक नेकी के बदले 70 नेकियां देता है। इस पूरे माह रमजान तीन भागों में बांटा जाता है। रमजान के पहले 10 दिन रहमत और बरकतों के कहे जाते हैं। माना जाता है इन 10 दिनों में बंदे पर खुदा की रहमत बरसती है। वहीं दूसरा असरा मगफिरत का होता है और तीसरा असरा जहन्नम से आज़ादी का। इस पूरे माह मुस्लिम समाज के लोग नमाज, रोज़ा, जकात करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं। इस बार सबसे लंबा रोज़ा ग्रीनलैंड में 21 घंटे 2 मिनट का हुआ, वहीं अपने देश में 15 घंटे के आसपास के रोजे चल रहे हैं। ये आज रमजान शरीफ का चौथा जुमा है और हम जो है हर साल जो है तकिया में रोजदारों को रोजा अफ्तार कराते हैं। अरे पुरवा जी।